What's up guys, welcome back to the video. So, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैवेलियर इवेंट क्वेस्ट में क्वेस्ट नंबर 3, जहां पर हमारे क्लास स्पेसिफिक नोड्स है म्यूटेंट्स के बारे में, एंड साथ ही साथ जो बॉस है वो हमारी है फीनिक्स. एंड आई नो आप सभी लोग जो है फीनिक्स बॉस के लिए ही आए हो, क्योंकि वो लिटरली काफ़ी अनोइंग है. वो मरने का नाम नहीं ले रही है. हम लोग जो है कोई भी टाइप का डैमेज नहीं कर पा रहे. डैमेज कर भी रहे तो भी सीधा जीरो लिखा हुआ है. बकचोदी क्या चल रही है भाई, ठीक है. बट या लिटरली मेरे भी बता रहा हूँ, मेरे को भी काफ़ी जो है अनोइंग लगी फाइट. बट या अगर आपको ना स्टार्टिंग वाला पार्ट स्किप करना है, क्लास स्पेसिफिक नोट्स को जो है इग्नोर करके डायरेक्ट बॉस पे जाना है, तो आप टोटली जा सकते हो, तो आपके ऊपर है. बट या अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है आगे कि मैं कौन से चैंपियंस यूज़ करता हूँ क्लास स्पेसिफिक नोट्स को काउंटर करने के लिए, तो देखो यहाँ पर. सो यहाँ पर क्लास स्पेसिफिक नोट्स है म्यूटेंट्स के बारे में. एंड म्यूटेंट्स यूज़ करके क्या करना है कि आपको जो है हीलिंग आपकी अप्लाई करनी है. बेसिकली आपके पास कोई भी टाइप का हील बफ होना चाहिए, हील बफ या तो फिर हीलिंग पैसिव. अगर ये दोनों चीज़ है या तो फिर दोनों में से कोई एक भी है, तो आप जो है अपोनेंट को काउंटर कर सकते हो. एंड इसमें अपोनेंट को काउंटर कैसे करना है कि जैसे आपके ऊपर हीलिंग बफ होगा, जैसे कि देख सकते हो अभी ओमेगा रेड के ऊपर है, एंड फिर उस टाइम पे वो अपोनेंट को हीट करेगा. जैसे कि यहाँ पर अपोनेंट हमारी मैजिक है, एंड अगर मैजिक हील करने की ट्राई करेगी तो उसमें होगा क्या कि अगर आपके पास हीलिंग वाला बफ है एंड वो मैजिक हील करने का ट्राई करेगी तो वो फेल हो जाएगा, एंड उसी फेल्ड रीजनरेशन की वजह से आपको फ्यूरी मिलेगी. सो बेसिकली अपोनेंट को जो हील ब्लॉक करना है, अगर डायरेक्टली हील ब्लॉक अप्लाई करने जाओगे तो पता नहीं फ्यूरी मिलती है या नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया. मैं जस्ट जो है अपने नॉर्मल चैंपियंस लेके आया म्यूटेंट क्लास में, जहाँ पर जिनके पास जो है उनके बेस एबिलिटीज़ में हीलिंग वाली एबिलिटीज़ है, तो मैं वैसे वाले चैंपियंस लेके आया. एंड ऑफकोर्स आप ना मैं अभी भी आधा बताया नहीं है नोड. एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास ना प्रोवेस बफ्स होना चाहिए, प्रोवेस पैसिव या तो फिर प्रोवेस बफ्स. एंड उससे क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी टाइप की हीलिंग एबिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि एज ए एग्जाम्पल कलोसस ले लो, उसके पास कोई भी एबिलिटीज़ नहीं है कि वो हील कर सके कहीं से भी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट कलोसस के पास एक या दो प्रोवेस होना चाहिए. एंड देन फिर जैसे ही अपना कलोसस जो है स्पेशल अटैक लॉन्च करेगा तो उसको जो है हीलिंग मिलेगी. कहाँ से? जो नोड से हीलिंग मिलेगी, क्योंकि अगर अपोनेंट के आपके पास ना प्रोवेस बफ्स हो एंड कोई भी टाइप की हीलिंग नहीं हो, तो अवर नोड आपको हीलिंग बफ देगा. एंड देन फिर उसी हीलिंग बफ को यूज़ करके आप जो है फ्यूरी गेन कर सकते हो. उसमें ओमेगा रेड के एस पी वन में हीलिंग है, क्योंकि वो हील जो है मतलब क्या कहते हैं हीलिंग जो है स्टील कर लेता है आपके अपोनेंट में से, ठीक है. एंड देन फिर लेट्स सी, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ नेमोर के एस पी वन में एंड एस पी टू में, दोनों में हीलिंग है, बट वो उसकी हीलिंग इतनी पोटेंट नहीं है. बट या थोड़ा बहुत जो है हील कर देती है, जब तक कि स्पेशल अटैक ऑन है तब तक जो है आप फ्यूरी कलेक्ट कर सकते हो. देख सकते हो एक एस पी वन के अंदर ना ऑलमोस्ट एक से दो फ्यूरीज मिल जाती है, मैक्स टू मैक्स जो है चार फ्यूरीज तक मैं जा पाया हूँ एक ही स्पेशल टू में. एंड उसे ऑन टॉप ऑफ दैट या मैक्सिमम जो है पाँच फ्यूरीज आप कलेक्ट कर सकते हो. एक एक फ्यूरी जो है 70% तक का जो है अटैक इंक्रीज देती है. एंड या जस्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको जो है दो चैंपियंस चाहिए. पहला कि जिनके पास प्रोवेस बफ्स हो, एंड देन फिर स्पेशल अटैक लॉन्च करो, उस टाइम पे आपको हीलिंग मिलेगी एंड देन फिर आप काउंटर कर पाओगे. सेकंड कि फिर डायरेक्टली हीलिंग रखो, जैसे कि डेडपूल हो गया, वुल्वरीन हो गया. एंड वुल्वरीन के साथ ना एक और चीज़ मैंने देखी है कि ये पूरी की पूरी क्वेस्ट के अंदर ना अगर आप जो है वुल्वरीन को हॉर्समैन बनाओगे तो वो क्रिटिकल ब्लीड अप्लाई कर सकता है. वैसे भी वो काफ़ी सारी हीलिंग करेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है हील बफ के अंडर ही रहोगे. एंड जैसे ही आप जो है अपोनेंट को हीट करने जाओगे उसका रीजनरेशन फेल हो जाएगा, एंड फिर जो है आपको फ्यूरी मिलेगी. बट या एक और एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर अपोक्लिप्स का देख ही सकते हो, क्योंकि अपोक्लिप्स के पास भी कोई भी टाइप की हीलिंग नहीं है. बट जैसे मैं अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करता हूँ, मेरे को रीजनरेशन बफ मिलता है नोड की तरफ से, एंड जब भी उसी की वजह से फिर अपोनेंट का जो है रीजनरेशन फेल हो जाता है, मेरे को फ्यूरी मिलती है, एंड देन मैं काफ़ी सारा जो है डैमेज कर सकता हूँ. देखा जाए तो ये 565 वाला अपोक्लिप्स भी इनफ है एक अपोनेंट को किल करने के लिए. जब तक कि मैं एस पी टू पर पहुँचूँ ना, तब तक तो अपोनेंट जो है ऑलमोस्ट आधी हेल्थ पे हो जाता है. एंड देन फिर एक एस पी टू इनफ होता है अपोनेंट को किल करने के लिए. एंड देखा जाए तो या जस्ट वही चीज़ें करनी है आपको, यूज़ करनी है. एंड देन फिर अगर जिस किसी के पास भी ना प्रोवेस बफ ना हो, तो आप जो है क्या कहते हैं अपोक्लिप्स की हॉर्समैन वाली एबिलिटी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसे अप्लाई करने से क्या होगा कि डायरेक्टली अपोनेंट को प्रोवेस पैसिव मिलेगा. शब्द आ नहीं रहे. ओके सो मतलब बेसिकली दो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बताया, प्रोवेस या तो फिर रीजनरेशन बफ. केबल की बात करें तो केबल की खुद की एबिलिटीज़ में अवेलेबल है ये क्या कहते हैं पावर गेन वाला, सॉरी हीलिंग वाला बफ.
बट यहाँ पर मफिस्टो क्या है कि जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो आपकी जो सोल ट्रैप कर लेता है बेसिकली, जब तक कि वो टाइमर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है आप कोई भी टाइप का बफ ट्रिगर नहीं कर पाओगे, तो वो एक दिक्कत दे रहा था। एंड यहाँ पर ऑन द अदर हैंड जो है मैंने दिक्कत एक और चीज़ की, यहाँ पर मैंने केबल को हॉर्समैन नहीं बनाया, एंड अगर बना देता तो ये फाइट ऑन द स्पॉट कब की ख़त्म हो जाती। अभी वो हीलिंग करने की ट्राई भी नहीं करता। यहाँ देख सकते हो मेरे पास जो थोड़ी बहुत हीलिंग आ गई क्योंकि मैंने स्पेशल अटैक लॉन्च किया। एंड देन फिर दूसरी एक और बात है कि जितने ज़्यादा प्रोग्रेस होंगे ना तो उतना ज़्यादा जो है आपको कंटिन्यूसली हीलिंग मिलती जाएगी जैसे आप अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करोगे, क्योंकि नोड में ऐसा लिखा है कि अगर चांसेस के ऊपर है कि जितने ज़्यादा प्रोग्रेस होंगे उतना पोटेंट चांस होगा कि उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ परसेंटेज पे आपको जो है हीलिंग मिल सकती है। सो बेसिकली एक या दो प्रोग्रेस होगा तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपको एक या दो फ्यूरी मिलती है अपोनेंट तब तक जो है आधी हेल्थ के क्रॉस हो चुका होता है। जस्ट वो एक चीज़ है। एंड देन फिर जस्ट इन केस अगर आपका अपोनेंट ना काफ़ी डिफिकल्ट क्या कहते हैं पोजीशन में है या तो फिर आपको दिक्कत दे रहा है तो अपोक्लिप्स के साथ उसका SP2 लॉन्च कराओ, क्योंकि उसका SP2 में ना एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लाइट अटैक वाला करोगे अगर अनलेस एंड अनटिल वो फुल क्या कहते हैं रैम्प अप नहीं है तब तक। एंड जैसे ही रैम्प अप हो जाता है तो उसका एक SP2 में दोनों के दोनों डिबफ्स वैसे भी अप्लाई हो जाते हैं। अगर फुल्ली रैम्प अप नहीं है तो उसके लाइट अटैक करो एंड देन फिर SP2 लॉन्च करो, उससे जो है कंकशन डिबफ अप्लाई होता है तो एटलीस्ट हमारे अपोनेंट की जो है एबिलिटी काम करना बंद कर देगी एंड थोड़ा बहुत जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। एंड या ऐसा करके आप जो है ये वाली वैसे वाले चैंपियंस को भी डिफीट कर सकते हो। एंड देन फिर लेट्स सी यहाँ पर किटी प्राइड भी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि उसके पास प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है, वैसे भी उसके बेसिक हिट्स में काफ़ी सारा डैमेज है एंड स्पेशल अटैक्स में भी। प्रोफेसर एक्स भी एक चैंपियन है जिसको आप जो है यूज़ कर सकते हो, ओमेगा रेड को आपने देखा जस्ट अभी। ओल्ड मैन लोगन है वो एक काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसिव हीलिंग हमेशा रहेगी, आई गेस कितने 30 से 40 सेकेंड के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो हील करते ही रहता है पूरे के पूरे टाइम। एंड जैसे वो या 20 सेकेंड के लिए तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी खासी हीलिंग मिलती है आपको वहाँ से, तो वहाँ से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड देन फिर अपना OG रेड मैग्नेटो, उसके पास काफ़ी सारे प्रोवेस है एंड उस टाइम पे अगर रेड मैग्नेटो को यूज़ करके आप स्पेशल अटैक लॉन्च करते हो तो वैसे भी आपको वहाँ से फ्यूरी मिलेगी। एंड देन फिर और देखा जाए तो ये मिस्टर सिनिस्टर तो काम नहीं आएगा क्योंकि वो हीलिंग तभी एक्टिवेट करता है जब उसको हिट हो, मतलब वो मार खाए तभी। एंड देन फिर लेट्स सी देखा जाए तो ऐसे काफ़ी सारे चैंपियंस है, डेडपूल है बट डेडपूल काफ़ी कम लोगों के पास होगा, रेड वाला डेडपूल। एंड देन फिर डेडपूल एक्सफोर्स के पास कोई खास हीलिंग वाली एबिलिटीज़ नहीं है तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आर्क एंजल है बट आर्क एंजल के केस में कैसा है कि आप ना पूरा का पूरा नोड इग्नोर करने की ट्राई करोगे क्योंकि ऑफकोर्स आर्क एंजल को कोई हीलिंग एंड वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं है। आर्क एंजल के केस में जस्ट यही चीज़ देखनी है कि अपोनेंट जो है ब्लीड हो सकता है एंड अपोनेंट जो है पॉइजन अप्लाई कर सकते हो आप अपोनेंट को, तो आर्क एंजल बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऐसे वाले केसेस में। एंड या देखते ही देखते हम लोग जो है ऑलमोस्ट आखिरी फाइट पर पहुंच चुके एंड ये वाली फाइट भी काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं। देख सकते हो एक ही क्या कहते हैं SP1 में मेरे को ऑलमोस्ट तीन से चार फ्यूरीज जो है मिल जाती है मेरे को एंड ये इनफ है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के पॉइंट्स में इनफ है। एंड देन फिर एक और SP1 में यूज़ करूँ तो पाँचों के पाँच फ्यूरीज मेरे को ऑन द स्पॉट मिल जाती है, मेरे को डैमेज अपना मिल जाता है एंड देन जस्ट मेरे को बेसिक हिट्स अप्लाई करने हैं एंड अपोनेंट जो है ऑन द स्पॉट मर जाएगा। मतलब जितनी कम फ्यूरीज होंगी ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि टोटल जो है 350% तक का जो है अटैक इंक्रीज मिलता है मैक्स टू मैक्स एंड उसमें सिर्फ 5 में डिवाइड करें तो 70% की एक फ्यूरी होती है, तो वो एक अच्छा है कंपेयर टू 10 फ्यूरीज मिलती है जो 7% वाली होती है, तो वो थोड़ा बहुत जो है दिक्कत देता है। एंड या देखते ही देखते हम लोग जो है यहाँ पर बॉस तक पहुँच चुके एंड बाय फार अब तक का सबसे अनोइंग बॉस है जितना भी मैंने खेला है, जितने भी मैंने प्रीवियस मंथ के एंड प्रीवियस सालों के जो कैवेलियर बॉसेस खेले थे उनमें से ये सबसे अनोइंग है। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैंने इग्नोर कर दी एंड शायद आपने भी इग्नोर कर दी हो जो कि है इसके नोड्स, एंड नोड्स में सबसे लास्ट वाला था बफ्ड अप डिफेंडर। अभी मैंने सबसे पहले क्या किया कि बफ्ड अप पढ़ा एंड देन फिर मैं ओडिन की प्रीफाइट लगा के घुस गया अंदर, ठीक है। एंड मैं देखा कि भाई मेरे हिट्स कर रहा हूँ, मेरे पास 3 बफ्स है फिर भी मैं जो है डैमेज ही नहीं कर रहा हूँ, चल क्या रहा है कि भाई मैं क्यों डैमेज नहीं कर रहा हूँ। देन फिर मैं बाहर निकला, दूसरे लोगों के वीडियोस देखे जब तक कि थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड देन फिर मैंने वापस आके जो है नोट्स पढ़ा एंड देन फिर मैंने देखा बफ्ड अप डिफेंडर है जिसका मतलब कि यहाँ पर हमारी बॉस फीनिक्स उसके पास जो है 3 बफ्स होने चाहिए, उसी के बाद जो है आप डैमेज करवाओगे। ध्यान से देखना हर मतलब
हरक्यूलिस की फाइट में ना जब कभी भी मैं एक्चुअल डैमेज कर रहा हूँ, मेरे हिट्स जो है उसको डैमेज कर रहे हैं, रेड में भी जो भी डैमेज हो रहा है वो तभी पॉसिबल है अगर फिनिक्स के पास ना 3 से ऊपर जो है फ्यूरी बफ्स है, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर ना फिनिक्स को हराने के जो है 2 से 3 अलग अलग ऑप्शन है। पहला ये कि आपको जो है फॉल्टर डिबफ काउंटर करना है, या तो फिर ऐसे चैंपियंस लेके आओ जिनके हिट्स जो है फॉल्टर को काउंटर कर सके, ठीक है। बट मैंने जो है वो ट्राई किया था एंड वो अच्छा क्या कहते हैं अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि फॉल्टर के टाइम जितना भी आप डैमेज करते हो फिनिक्स को, वो सारा का सारा डैमेज आपके ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है जैसे ही फॉल्टर का डिबफ जो है खत्म हो जाता है, जैसे ही फॉल्टर का टाइमर जो है खत्म हो जाता है। तो फॉल्टर वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, मतलब आपको जो है नॉर्मल चैंपियंस ही यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 2 ऑप्शन है कि सिर्फ ऐसे चैंपियंस यूज़ करो कि जो नॉर्मल हिट्स करते हो एंड जो ज़्यादा डिबफ्स लगाते हो, ठीक है। एंड जस्ट अभी आपने देखा कि फिनिक्स की जो हेल्थ लिटरली 100% तक वापस चली गई। एंड यस, ये आपके केस में भी हो सकता है, तो रेडी रहना कि वो हमेशा जो है जैसे वो नॉकआउट हो जाती है या तो फिर अपनी सेकंड लाइफ ट्रिगर करती है तो वो क्या कहते हैं 100% हेल्थ तक वापस जाएगी। बट इसको जो है डिफीट करने का एक और ऑप्शन है जो मैं सेकंड वाली फाइट में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वाले केस में, इस वाले दोनों के दोनों वीडियोस में सिर्फ एक ही ऑप्शन बता रहा हूँ जो कि है नॉर्मल डैमेज करने का, मतलब कि डीबफ्स अप्लाई किए बिना। क्योंकि डीबफ्स में क्या है कि अगर वो फॉल्टर हो जाती है ना, आपके डीबफ्स अप्लाइड है तो क्या होता है कि जैसे वो फॉल्टर डीबफ खत्म हो जाता है कि तो सारा का सारा डीबफ का डैमेज जो है आपको वापस लेना पड़ता है। तो वो लिटरली मेरे को काफ़ी अनोइंग लगा। निक फ्यूरी है, ठीक है, एंड देन फिर अपना क्या कहते हैं ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन जो है, वो दोनों के दोनों मैंने यूज़ करके देखे, सही से नहीं निकले। क्योंकि निक फ्यूरी के मैं जितना भी मैंने डैमेज किया ब्लीड के थ्रू, वो सारा का सारा डैमेज जो है मेरे को लेना पड़ा। तो एटलीस्ट मेरे केस में काम नहीं किया, बट स्टिल दूसरे लोगों के रेफरेंस के थ्रू मैंने देखा है कि वो एक ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप डिफीट कर सकते हो। एंड डीबफ अप्लाई करने से होता है कि जैसे ही आप डीबफ अप्लाई करोगे जितने ज़्यादा एंड वो डैशबैक करेगी तो वो डीबफ जो है कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूरी बफ के अंदर, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, तो उस बात का ध्यान रखना। मतलब ऐसे करके जैसे ही आप फाइट स्टार्ट करते हो आप जो है डैमेज करना स्टार्ट कर सकते हो। बट ये मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा, मेरी आरएनजी उसके साथ जो है नहीं चली, ठीक है। एंड देन फिर जो ये अभी ऑप्शन में दिखा रहा हूँ कि जो सिर्फ है रॉ डैमेज, ज़्यादा कुछ नहीं है, रॉ डैमेज है, कोई भी टाइप के डीबफ्स नहीं, कोई भी ये नहीं जिनके स्पेशल अटैक्स में ना कोई डीबफ्स हो, जिनके बेसिक हिट्स में ना कोई डिबफ हो, जस्ट एक पैर ही डिबफ या तो फिर स्टन डिबफ इधर उधर लगा दे तो ठीक रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे कि एगन हो गया, स्टार लॉर्ड हो गया, एंड देन फिर कलासस हो गया, एंड देन फिर रेड मैग्नीटो हो गया, जिनके सिर्फ और सिर्फ बेसिक हिट्स में डैमेज है। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दूसरा मैं दिखा रहा हूँ फाल्कन के साथ, एंड फाल्कन के साथ मैं तभी हिट करता हूँ अपोनेंट को जब मेरा जो है यहाँ पर क्या कहते हैं लॉक ऑन वाले एबिलिटी एक्टिवेट है। एंड शायद उसी की वजह से जो है आप एट दी एंड इस वाले वीडियो के एट दी एंड में देखना फाल्कन वाली फाइट में कि वो जो है हील नहीं करेगी। अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों हील नहीं कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे लिए तो अच्छा ही रहेगा एंड शायद जो है आपके लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी लॉकन वाली एबिलिटी जो है उसकी हीलिंग क्या कहते हैं हील वाली एबिलिटी जो उसको काउंटर कर दिया, या तो फिर फिनिक्स की मतलब जो फिनिक्स की एबिलिटीज़ कैसे काम करती है कि थ्रू आउट द फाइट जितना भी उसने डैमेज लिया ना वो सारा का सारा डैमेज जो है हील कर लेगी एट द एंड ऑफ द फाइट, जैसे वो अपनी चीट डेथ ट्रिगर करती है। तो शायद मैं जो है यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तभी डैमेज कर रहा हूँ जब मेरी लॉकन एबिलिटीज़ एक्टिवेट है, तो वो लॉक ऑन एबिलिटीज़ एक्टिवेट होने के बाद मैं जितना भी डैमेज कर रहा हूँ तो वो डैमेज वो जो है रजिस्टर नहीं हो रहा है उसकी क्या कहते हैं फिनिक्स की एबिलिटीज़ में, एंड उसी की वजह से एट दी एंड जैसे वो ही अपनी क्या कहते हैं चीट डेथ ट्रिगर कर दी है तो वो कोई भी टाइप की जो है हीलिंग एबिलिटीज़ नहीं दिखा रही है, एंड ऐसा मेरे को लग रहा है। बट या मेरे लिए फाल्कन बाय फार दी बेस्ट ऑप्शन था, एंड यहाँ पर थोड़ी देर में देखो क्या। बट जैसे कि देख सकते हो मैं फाल्कन के साथ जस्ट वही चीज़ कर रहा हूँ, मेरे ऊपर फॉल्टर डिबफ अप्लाई होता है, मैं रुकता हूँ कि जब तक कि वो फॉल्टर डिबफ हट जाए, एंड मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रीपेरी करूँ, क्योंकि रीपेरी में कैसा है कि एटलीस्ट मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कि वो फॉल्टर डिबफ हट जाए एंड उसके बाद मैं अपना जो है कॉम्बो स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि जैसे ही फॉल्टर डिबफ रहेगा आपके ऊपर एंड ऑफकोर्स आपके हिट्स जो है मिस होने ही वाले हैं, तो वो एक काफ़ी चीज़ अनोइंग है। एंड देन फिर मेरे को स्टार्टिंग के टाइमिंग में काफ़ी सारा रुकना पड़ता है कि उसके पास 3 बफ्स आ जाए। एंड दूसरी एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कि उसको ना SP2 पर ही पुश करो, SP1 लॉन्च करने ही मत दो, ट्राई करो, अगर वो कर दे तो आपके हाथ में दूसरा कोई चीज़ है नहीं। बट SP1 लॉन्च करने से होगा क्या कि वो है ना बार बार अपनी जो है SP1 से फ्यूरीज स्पेंड करेगी एंड देन फिर वो काफ़ी सारा पावर गेन करेगी जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। तो वो हमको नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करके वो SP3 तक भी जा सकती है, ऑफकोर्स वो हमको नहीं चाहिए।
एंड इसी की वजह से मैं उसको जो है रिकमेंड आपको रिकमेंड करूँगा कि उसको SP2 पर पुश करो, उसका SP2 बेट कराओ। SP2 से कुछ नहीं होगा, वो आपको जो है जस्ट हिट करने का ट्राई करेगी। एंड ऑफकोर्स आपको जो है डैमेज लेना नहीं है, क्योंकि एक ही SP2 आपके लिए इनफ होगा डाई मतलब क्या कहते हैं नॉकआउट होने के लिए। तो वो एक थोड़ा बहुत जो है ध्यान रख लेना। सो या फॉल्टर को काउंटर मत करो, उसको SP2 पर रखो एंड देन फिर उसको तभी डैमेज करो जब उसके पास तीन बफ्स हो, एंड ट्राई करो कि रिपेयरिंग करने का। एंड देन फिर लास्ट फिफ्थ वाला ऑप्शन कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे चैंपियंस यूज़ करो जो सिर्फ बेसिक हिट्स करते हो। एंड देख सकते हो उसका जो है कोई भी टाइप की हीलिंग अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि आई गेस यहाँ पर अभी लॉक ऑन वाली एबिलिटी एक्टिवेट है, इसीलिए वो हील नहीं कर पाई ऐसा मेरे को लग रहा है। एंड देन फिर जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि उसके पास कब तीन बफ्स आ जाए एंड देन मैं फाइनल ब्लो करके जो है फिनिश कर दूँ। एंड यहाँ पर देखना वो SP1 लॉन्च करेगी एंड वो तीन बफ्स थे वो वहाँ से हट जो है वापस जीरो हो जाएंगे एंड एक से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसी की वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि उसको SP1 लॉन्च मत करने दो, क्योंकि फाइट वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड हो जाएगी अगर वो वापस जो है हील कर लेगी। सो या एंड ऐसे करके जो है आप डिफीट कर सकते हो इस वाली बॉस को। एंड आई नो ये काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत दे सकता है, काफ़ी लोग जो है हमेशा के लिए यहीं पर अटक जाएंगे एटलीस्ट इस वाले मंथ के लिए। सो होपफुली ये वीडियो आपको जो है मदद करेगा बॉस को डिफीट करने के लिए। एंड इतना सा था ये वीडियो। सो होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।